पॉजिटिव अप्रोच यानी सकारात्मक नजरिया वो हथियार है जिसकी मदद से आप जीवन का बड़े से बड़ा युद्ध जीतने का हौसला हासिल कर सकते हैं। फॉलो दीज 20 हैबिट्स एंड मेक 2018 योर ईयर। खुद से प्यार करो। ये महत्वपूर्ण है कि हम खुद पॉजिटिव रहें, क्योंकि खूबसूरती अंदर से आती है। बीत चुका कल वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाला कल हमारी जीत या हार तय करेगा। आपका नजरिया रंगों के उस डिब्बे की तरह है जो आपकी दुनिया में रंग भरता है। लगातार फीका रंग भरिए तो आपकी जिंदगी भी फीकी हो जाएगी। एक बार कुछ चमकीले रंगों का इस्तेमाल करिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी की तस्वीर कैसे चमक जाती है। जिंदगी को पूरी तरह जियो और सकारात्मक चीजों पर ध्यान लगाओ। पॉजिटिव रहें और खुश रहें। कड़ी मेहनत करो और हिम्मत ना हारो। आलोचना के लिए तैयार रहो और सीखना जारी रखो। खुश मिजाज और सच्चे लोगों के साथ रहो। जब आप नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से बदल दोगे तो पॉजिटिव नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। खुद की एक मजबूत और पॉजिटिव इमेज ही सफलता के लिए आपकी सबसे बढ़िया तैयारी है। मेरा विश्वास है कि अगर आप आस्था रखते हो, आपको विश्वास है, आप सही नजरिया रखते हो और आप कृतज्ञ हो, तो ईश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। अगर आप अपना चेहरा सूरज की चमक की तरफ रखते हो तो आपको परछाई नहीं दिखती। सही नजरिया नेगेटिव तनाव को भी पॉजिटिव तनाव में बदल देता है। आपकी मुस्कान आपको एक पॉजिटिव चेहरा दे देती है जिससे आपके आसपास लोग सहज महसूस करते हैं। पॉजिटिव नजरिया वाकई सपने सच करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। अपने अंदर एक ऐसी जगह ढूंढो जहां खुशी है। वो खुशी दर्द को मार देगी। आप नेगेटिव माइंड के साथ पॉजिटिव लाइफ नहीं पा सकते। कड़ी मेहनत करो, पॉजिटिव रहो और हां, सुबह जल्दी उठो। ये दिन का सबसे अच्छा वक्त होता है। सपनों में भरोसा रखो। सपनों में ही अमरत्व का रास्ता छुपा हुआ है। पॉजिटिव काम करने के लिए एक पॉजिटिव नजरिया विकसित होना भी जरूरी है। आपको मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है, यही जीवन है। पर मेरा मानना है कि आपको कुछ नहीं होता, जो होता है आपके लिए होता है। नेगेटिव घटनाओं में पॉजिटिव देखिए। अगर आप पॉजिटिव रवैये के साथ लगातार अपना सबसे बेहतर प्रयास करते हो तो आप अपनी मौजूदा समस्या से निजात पालोगे और पाओगे कि आप बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो। पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव कदम उठाने से सफलता मिलती है।